तो एक बार की बात है, एक गांव था उत्तर प्रदेश का, छोटा सा गांव, और वहां पर एक भरा पूरा अच्छा परिवार रहता था। उसमें एक छोटी बच्ची रहती थी। परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल काफ़ी अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन बात यह थी कि यार गांव में ही रहकर गांव के स्कूल में पढ़ना था और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता। अगर घर वालों ने गांव का सबसे अच्छा स्कूल देखकर भी एडमिशन कराया तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं मिल पाता है। और करते 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 पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं तक की पढ़ाई वहीं पर होती रही उस बच्ची की। एंड उसके ही परिवार का बाकी जो एक्सटेंडेड वर्जन था, यानी कि विस्तृत परिवार जिसकी बात करते हैं, मामा, मौसी, बुआ, ताऊ एट्सेट्रा, तो वो बड़े शहरों में रहते थे, उनके बच्चे भी बड़े शहरों में रहते थे, अक्सर घर आते थे और हंसी मजाक में अंग्रेज़ी में बात करते थे। और वो छोटी बच्ची जो वैसे तो बहुत बातूनी थी, लेकिन जब ऐसा कुछ सीन होता था जहाँ पर अंग्रेज़ी में बातें हो रही तो कहीं से कोना ढूंढ करके एक जगह बैठ जाना चाहती थी। वो बच्ची जिसको कभी किचन में जाने का मन नहीं करता था, उस दिन मम्मी की मदद कराने पहुँच जाती थी। फिर एक दिन हुआ कि नहीं, बाकी बच्चों को भी शहर जा कर के पढ़ना चाहिए, तो अचानक से जो गांव की दुनिया थी, वो अपना बाग बगीचों में खेलना, पैदल स्कूल चले आना, 5 रुपए की टॉफ़ी खरीद, 5 रुपए 50 पैसे की टॉफ़ी भी खरीद के खा लेना, वो सब ख़त्म हो गया और उठा करके पहुँचा दिया गया शहर के एक बहुत बड़े नामी स्कूल में। और ये कहानी है मेरी। तो जब गांव में रहते थे तो तभी तो हम इतनी अच्छी अवधि बोल लेते हैं। हम बोले था ई हमरे तरफ के बोरी है, अब ई बोली बोली जा था प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर, ई उत्तर प्रदेश के कुल इलाका है ना, और हम बहुत अच्छी बोली था, हमका बहुत अच्छी लागत था। लेकिन ये वाली बोली बोल करके हम स्कूल तो नहीं जा सकते थे, शहर में नाम लिखवा दिया गया हमारा। डे वन मैंने अपने भाई से पूछा, भाई बड़ा था तो उसको 1 साल पहले भेज दिया गया था स्कूल, शहर के स्कूल। तो बिल्कुल हालत ख़राब थी यार, एंट्रेंस में भी जैसे तैसे पास हुए थे। और स्कूल का नियम, यू हैव टू स्ट्रिक्टली स्पीक इन इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी में बोलना है। भाई ने समझा दिया कि तुम मेरी बहन हो, भाई पढ़ाई में अच्छा, पढ़ाई में हम भी अच्छे थे यार, अंग्रेज़ी नहीं आती थी बस। तो उसने कहा कि देखो ज़्यादा मत बोलना, क्योंकि एक तो बचपन से बहुत बोलने की आदत थी। तो उसने कहा कि जब स्कूल में जाना, कोई टीचर अगर कुछ पूछेगा तो पहले बता देना, मैम आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस बता रही हूँ जो मैंने पहला रटा था, मेरे भाई साहब ने मुझे सिखाया था और मैंने रटा। रिक्शे पे जा रहे थे स्कूल और पूरे रास्ते रिपीट करते गए। जैसे एक क्लास टीचर ने पूछा, हमने उठते ही सबसे पहला ये बताया, टीचर हंसने लगी कि तुम तो अंग्रेज़ी में ही बता रही हो कि तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता। लेकिन एक टीचर हंसती है, सारे टीचर हंसते नहीं है, सारे टीचर तुरंत आपको ऐसे देखते हैं कि कौन आ गया। बाद में सब अच्छे हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर अच्छा टीचर मिल जाता है ना तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अब खैर ये थी 8वीं कक्षा की बात, और 8वीं कक्षा में ही बड़े सारे सेक्शंस थे। तो जैसे मैं थी क्लास 8-6, तो मेरा सेक्शन था 6, क्लास थी 8, और 8-4 या 8-5 का एक इंडिविजुअल था जिसका आप नाम लेके क्या मतलब बनता है। तो उसने ना लंच टाइम में मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। वो लोगों को बुलाता था और फिर मुझसे पूछता था कि व्हाट इज योर नेम। तो भाई हमने गांव में सीखा था, मैम माय नेम इज उदिशा मिश्रा, सर माय नेम इज उदिशा मिश्रा, और मैं बिल्कुल यही रटा जवाब। कोई ये इतना भी नहीं पता था यार ऑनेस्टली कि कोई बराबर की उम्र का पूछ रहा है तो मैं सिर्फ कह दूं उदिशा, नहीं पता था। इसीलिए कहते हैं कि गांव के लोग बहुत भोले भाले और बहुत यू नो सिंपल होते हैं, इतना नहीं पता था कि इसका भी मजाक बन सकता है। तो मैं बताती रही, उसने 1 बार पूछा, 5 बार पूछा, 6 बार पूछा। बाद में मेरे भाई ने देखा कि ये क्या चल रहा है, तो उसने आके कहा कि तुम क्लास में जाओ। वो प्रीफेक्ट था। चलो वो दिन बीत गया। फिर कई दफा क्लास में ऐसा हुआ कि यू नो एक तो हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और हमें बात करने की आदत थी, लेकिन ना वो जो पूरा एक रियलाइजेशन था कि हमको इंग्लिश नहीं आती हो। यहाँ पे सारे बच्चे, अब कोई कैसे परिवार से आता है, कोई कैसे कपड़े पहन रहा है, कोई कैसा दिखता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी एक कमी पता थी कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, अब हम क्या करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, वो एक महीने का टाइम था जिसमें से करीब 15 दिन हम रोज जाते थे और अपनी मम्मी के सामने बैठ के रोते थे कि प्लीज हमें वापस गाँव भेज दीजिए, हमें रायपुर भेज दीजिए, हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मेरे नंबर नहीं आएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत दिनों तक ये किया मैंने। तो वहाँ गांव में क्लास में फर्स्ट आते थे। यहाँ पर पहला टेस्ट हुआ, मैथ्स में 0 आए थे
और ये याद है कि मैथ्स में जीरो आए थे, इसकी कहानी सुनाऊंगी तो तुम लोग सोचोगे कैसे। खैर, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी मतलब 20 का टेस्ट था और कुछ ऐसे 8-12 ऐसे नंबर आए थे। मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, तुमको पढ़ना तो यही है, ठीक है, अब तुम सीखो, यही करना है, नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे ही डरोगी। सो शी सपोर्टेड मी। मेरी माता जी भी इंग्लिश बोल लेती हैं। मैंने आपको बताया, पढ़ाई लिखाई का हमेशा से परिवार में एक माहौल रहा, तो उन्होंने तब मुझसे बचपन से नहीं बोलती थी इंग्लिश, क्योंकि वो भी खुद गांव में मेरे साथ ही रह रही थी, और जब मुझे लेकर के आई तभी वो वापस आई शहर में। शादी से पहले वो शहर में रहती थी, बट उसके बाद वो भी गांव में थी मेरे साथ। तो हाउएवर, फिर उन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाना शुरू किया घर पे, वो मुझसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलती थी। और जो एक चीज जिसने शायद मुझे इंग्लिश सिखा दी, वो था कुछ अच्छे लोगों का साथ इन माय क्लासरूम। क्लासरूम में मुझे ये भी नहीं पता था कि हमको पानी पीने जाना है, ये हम कैसे पूछें। तो एक लड़की से पूछा, उसने बता दिया कि बोलो मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये हमने रट लिया। अब भाई देखो, डूबते को तिनके का सहारा होता है, एक सेंटेंस एक्स्ट्रा सीख गए हम। पहला क्या आता था, मैम आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, दूसरा आता था मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ऐसे ऐसे करके 2-3 सेंटेंसेस सीख लिए, 4 सीख लिए, फिर एक बहुत लगता था कूल वर्ड सीख लिया, एक्सक्यूज मी। तो जब किसी के अगल बगल से गुजर रहे हो, उससे रास्ता मांगने के लिए क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी, है ना, उसे जगह बनाने के लिए। तो ये सीख लिया, लगता था बड़ा कूल हो गया। यहां से जब शुरुआत हुई ना यार, तो मैंने सुनना शुरू किया कोई क्या बोल रहा है, टीचर ने कोई वर्ड यूज किया है, कोई सेंटेंस बोला है, मैं इतना गौर से सुनती थी, मैं उसको दिमाग में रट ले गई। तो मेरा जो इंग्लिश लर्निंग का सबसे बड़ा पिलर रहा है कि सुनो रटो बोलो, सुनो रटो और बोलो। और क्योंकि इस काम को करके मुझे इतना गर्व महसूस होता था कि मैं वही हूं जो 15 दिन पहले मम्मी के पास जाके रो रही थी कि मुझे गांव भेजिए, आज मैं अंग्रेजी बोल रही हूं। आई वॉज सो प्राउड ऑफ इट कि मैं हर मौका देख के अंग्रेजी बोलती थी। और ये बात का सबूत मेरे भाई बहन मम्मा पापा सब लोग हैं। और उसी क्लास के दूसरे टेस्ट में सारे नंबर सुधार लिए मैंने, क्योंकि दिमाग कमजोर नहीं था। वो जो अंदर अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना कि हमको इंग्लिश नहीं आती तो हम कमजोर हैं, वहां से हम अपनी चीजें सारी बिगाड़ लेते हैं। और यही होता है आप लोगों के साथ भी, जब आप किसी ऑफिस में जाते हो, किसी पार्टी में, फंक्शन में, वहां पे 2 लोग हैं, चाहे वो आपसे काबिलियत में बहुत ही कम क्यों ना हो, लेकिन वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ओहो ये तो बड़े माइकल जैक्सन आ गए। होता है ना ये आपके साथ भी, तो मत करिए आप अपने साथ ऐसा। बस इतने ही में, मैंने कोई ग्रामर नहीं पढ़ा था, मैंने कोई किताबें नहीं फॉलो करी थी, मैंने कोई अखबार पढ़ना नहीं शुरू किया था, मुझे बस ये था कि सुनो और बोलो। और घर पर मुझे माहौल दिया जाता था कि तुम हमसे भी अंग्रेजी बोलो। और जब मैं अंग्रेजी बोलती थी तो मेरी मम्मी, मेरे पापा खास करके, मेरे पिताजी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वो अंग्रेजी समझते पूरी हैं लेकिन वो बोलते नहीं, और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हो कि मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। तो जब आप ऐसे अच्छे माहौल में रहते हैं और आप अपने मम्मा पापा के फेस पे एक स्माइल देखते हैं ना यार, आपको बहुत कुछ करने की एक मोटिवेशन मिलती है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। सिर्फ इतने से मैंने अंग्रेजी सीखी है, सुना है बोला है, सुना है बोला है। और मैं इस पूरे प्रोसेस को आपके साथ रेप्लिकेट करना चाहती हूँ, आपको हर सिचुएशन के लिए अंग्रेजी सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पर आपके सामने हूँ। और हाँ, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, कॉर्पोरेट इंग्लिश, वोकैबुलरी एक्सपेंशन, हर चीज़ आपके लिए लेकर के इसी चैनल पर जुड़ूंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन आपकी मदद कर पाऊंगी। थैंक यू।